कि संसार में दैत्यों ने तपस्या बहुत की है और जो हम मनुष्य है ना वो मनुष्य तपस्या कम करते हैं। अब हम ही है ना, तपस्या करने बैठ जाए ना तो ग्रह कारज नाना झंझारा। श्रीमती कहेंगी अभी तुम कब तक भागवत सुनाओगे, भागवत 4 घंटा की हो गए, 6 घंटा की हो गए, तो मैं तो 24 घंटा भागवत ही रहो। हमारे संगीतकार है वो कह रहे महाराज 4 घंटा ही भागवत बहुत होते हैं, तुम 5 घंटा 6 घंटा तक हमारे पाम पेराई आवे महाराज। पंडित जी कहे महाराज आपको तो यही काम है, लेकिन हमें तो और काम करना है, कहूँ हवन करने जाना है, कहूँ और पंडता जाना है, कहूँ खाए में जाना, कहूँ खिलाए में जाना, महाराज तुम्हें यही काम है। और गृहस्थी कहते साहब हमारे पास और काम है, घर के धंधे बहुत है, घर के धंधे बहुत है, गृह कार्य नाना झंझारा। कि भागवत कितनी सुने, 4 घंटे ही बहुत है, 3 घंटे बहुत है। और कुछ ऐसे भी है कि नहीं साहब होने को 24 घंटा लगाता, क्या बात है, ऐसे भी है, चाहते होती रहे बस। लेकिन दैत्य ऐसे होते हैं, दैत्य ऐसे होते हैं या तो पुण्य कर्म करते नहीं है, और पुण्य कर्म करते हैं तो जिद से करते हैं, जिद से करते हैं। तो आज जो दैत्य है ना वो पुण्य कर्म करने की ठानी और ऐसी जोर की ठानी क्या कि धनु नाम के जो राजा हुए दैत्यों में वो बहुत बलशाली हुए। धनु ने सोचा कि अब मैं पुत्र पाऊं बढ़िया चकाचक हवन करने वाला, तपस्या करके उन्होंने 2 पुत्र पाए, रम और करम। रम और करम दोनों ही विचार करते हैं चलो हम भी पिताजी की तरह तपस्या करें।